इस कड़ाके की ठंड में जहां घरों में भी रहना दुश्वार हो गया है, सोचिए जिनके सिर पर छत नहीं है वो इस हार्ड कपाने वाली ठंड में कैसे गुजारा कर रहे होंगे। खैर, सोशल मीडिया का जमाना है जहां पलक झपकती ही कोई भी चीज वायरल हो जाती है। खैर, कभी कभी इस वायरल वाले कॉन्सेप्ट पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इस बार इसी प्लेटफॉर्म की वजह से एक बच्चे का भला हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर सड़क किनारे एक बच्चे का कुत्ते के साथ सोते हुए फोटो वायरल हुआ। ठिठुरते हुए बच्चे को सोते देखना हर किसी के लिए इमोशनल था, लेकिन फिर एक मसीहा आया और बच्चे का भला कर गया। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक बेबस बच्चे का फुटपाथ पर सोते हुए फोटो ऐसा वायरल हुआ कि जनपद का प्रशासन भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर हरकत में आ गया। फिर क्या था, आला अधिकारियों के निर्देश पर जनपद पुलिस ने इस बेबस बच्चे को खोज निकाला। बेबस मासूम से जब पुलिस ने इस तरह सड़क पर सोने की बात पूछी तो बच्चे की कहानी इतनी भावुक थी कि किसी का भी दिल पसीज जाए। लगभग 10 साल का दिखने वाले इस बच्चे का नाम अंकित है। अंकित के मुताबिक उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ थी जो छोड़कर चली गई और बाप जेल में बंद है, बस कोई है तो वो है उसका कुत्ता, जिसके लिए वो लोहे की दुकान तो कभी कूड़ा बिन कर तो कभी चाय की दुकान में काम करता है। रिश्ता तो कुछ ना था, वो कुत्ता हमारा पालतू था, वो हमारे मेरे पास रहता था। जब से वो मेरे पीछे पड़ गया, जब से मैं उसको दिखाऊं, चाय वाले का कफ धोता था ना, इसलिए वो दे दे कर रहे था। जो दिन भर मेहनत करते थे वो उसे कुत्ता खिला रहे था। जो रात को गत्ता मिलता था उसे मैं बेच देता था, आज इतने 50-60 रुपए। कई दिन पहले ली गई बच्चे की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव ने बच्चे को ढूंढने के लिए जब पुलिस टीम लगाई तो बच्चे को पुलिस ने शहर से बरामद कर लिया। अब बच्चा चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट की देखरेख में है, जहां उसके रहने के साथ साथ जिला प्रशासन अच्छी पढ़ाई का इंतजाम भी करवा रहा है। इसकी हमें सूचना प्राप्त हुई थी तो हमने इस खबर का संज्ञान लेते हुए इस बच्चे को तलाशा। बच्चा मुजफ्फरनगर शहर में ही किसी फैमिली के पास रहता हुआ पाया गया। उस बच्चे को कल बाल कल्याण समिति मुजफ्फरनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेंटली भी फिजिकली भी बच्चा खुश है, और आज बच्चे का हम आयु परीक्षण करा रहे हैं और उसके बाद बच्चे के जो भी बेस्ट इंटरेस्ट में होगा उसके पुनर्वासन की कार्यवाही की जाएगी। और अभी बच्चे को शिक्षा के लिए भी किसी स्कूल में एडमिशन कराने की प्रक्रिया चल रही है, तो जो भी उस बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा वो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल जो भी सर्दी से पहनने के सर्दी के कपड़े, खाने की चीज़ें, जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो इसको मुहैया कराई गई हैं। इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और इस बच्चे की एसएसपी सर के द्वारा ये भी बात की जा रही है कि इसका कहीं पे एडमिशन किसी स्कूल में इसका कराया जाए ताकि इसका भविष्य उज्जवल हो सके और इसको किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी ना हो।